चुनाव चाहे लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, ईवीएम हर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहता है, हारने वाला दल या फिर ये कहिए कि विपक्षी दल हमेशा अपनी हार के लिए ईवीएम को ही जिम्मेदार ठहराता रहता है। यहाँ तक कि ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है, लेकिन विपक्ष के पास सबूत ना होने के कारण इस याचिका में कोई जान नहीं बची। विपक्ष हर बार ये आरोप लगाता है कि ईवीएम के साथ टेम्परिंग यानी कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन विपक्ष हर बार इन आरोपों को साबित करने में नाकाम रहता है। बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 55 लाख से ज्यादा ईवीएम का इस्तेमाल होने वाला है। तो अब यहाँ पर दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या इस बार भी कोई पक्ष, सत्ता हो या विपक्ष, कोई भी पक्ष अपनी हार के लिए ईवीएम को ही जिम्मेदार ठहराने वाला है, और क्या सच में ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है? तो आइए इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। अगर आप अभी भी ईवीएम को अपने दिमाग में पिक्चराइज नहीं कर पाए हैं तो हम आपको जवान फिल्म का वो सीन बताते हैं। जवान फिल्म तो सभी ने देखी होगी और हमने ये ज़रूर देखा है कि जवान में शाहरुख खान कैसे ईवीएम से भरा पूरा ट्रक को किडनैप कर लेते हैं, और ईवीएम से भरा ये ट्रक तब फ्री होता है जब उनकी मांग पूरी मानी जाती है। अब इस एग्जाम्पल के साथ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजनीतिक दलों के लिए ईवीएम की क्या महत्वता है। बता दें कि ईवीएम वो मशीन है जिससे मतदाता अपना वोट डालता है। ईवीएम पर कई सारे पार्टियों के नाम और सिंबल होते हैं, या फिर इनके सामने का बटन दबा कर ही मतदाता अपना वोट कास्ट करता है। बता दें कि सबसे पहले 1977 में ईवीएम का पहली बार विचार आया था, फिर 1979 में ईवीएम के पहले प्रोटोटाइप को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया था। इसका पहली बार इस्तेमाल 1982 के चुनाव में किया गया था। तब तक ईवीएम पर सिर्फ 8 प्रत्याशियों के नाम की ही सुविधा थी, लेकिन 1989 में ईवीएम को 16 प्रत्याशियों के लिए डिज़ाइन किया गया, और इससे पहले यानी कि जब ईवीएम नहीं होता था तो वोटर्स बैलेट पेपर के जरिए अपना वोट कास्ट करते थे। आपको बता दें कि आज की डेट में देश में 5 जगहों पर ही ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये 5 जगह में से हरियाणा का पंचकुला, उत्तराखंड में कोटद्वार, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, तेलंगाना में हैदराबाद और कर्नाटक के बेंगलुरु में ही ईवीएम को तैयार किया जाता है। जहां तैयार होती है ईवीएम, वहां कैसी होती है सुरक्षा? ईवीएम तैयार करने के लिए हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कड़ी से कड़ी सुरक्षा होती है। ईवीएम को 4 लेवल तक की सुरक्षा दी जाती है। सबसे पहले चरण में आईडी कार्ड के जरिए जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं और जो भी कर्मचारी होते हैं उनको मेन गेट से एंट्री दी जाती है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उन एम्प्लॉयज़ की पूरी चेकिंग करते हैं, जिसके बाद बायोमेट्रिक सिस्टम से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। वहीं आखिर में डिफेंडर गेट के लिए मैन्युफैक्चरिंग रूम से एंट्री मिलती है। इसके बाद बात आती है वेयर हाउस तक कैसे भेजी जाती है ईवीएम, तो आइए हम आपको बताते हैं। ईवीएम को जितनी कड़ी सुरक्षा में तैयार किया जाता है उतनी ही पुख्ता सुरक्षा के बीच उसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वेयर हाउस तक पहुंचाया जाता है। सभी ट्रकों को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सील किया जाता है। साथ ही इसके रूट पर नजर रखने के लिए जो भी वाहन इन्हें ले जा रहा है उनमें GPS ट्रैकर भी लगाया जाता है। ईवीएम को ट्रक में लोड और अनलोड करने के लिए जिला चुनाव अधिकारी की देखरेख में वीडियो भी बनाया जाता है। इसके बाद जब ईवीएम वेयर हाउस में पहुंच जाती है तो वहां पहले ही राष्ट्रीय और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं, जिनकी मौजूदगी में ईवीएम की अनलोडिंग होती है। इसके बाद इनकी ही मौजूदगी में ईवीएम को सुरक्षित रूप में रख दिया जाता है। हर महीने या फिर कभी कभी 3 महीने में ईवीएम की जाँच की जाती है। वेयर हाउस में 24 घंटे CCTV सर्विलांस होता है। इसके अलावा यहाँ भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहते हैं। सभी वेयर हाउस और स्ट्रॉन्ग रूम में एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता होता है। इसे हमेशा डबल लॉक से सीज किया जाता है। ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम में रखने के लिए बाद में उस कमरे की लाइट भी काट दी जाती है। तो हमने आपको बताया कि कैसे ईवीएम की होती है मैन्युफैक्चरिंग और कैसे उसको कड़ी सुरक्षा के बीच वेयर हाउस तक पहुँचाया जाता है। ईवीएम के मसले पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।